हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने किया था क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड्स के बारे में पढ़ा था। क्या होता है इसके डिफरेंसेस देखे थे, ठीक है। तो एमॉर्फस सॉलिड्स का पूरा डिटेल हमारे सिलेबस में नहीं है, मेनली क्या है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को और थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में नेक्स्ट पॉइंट आता है लैटिस, ठीक है। ये लैटिस क्या होता है? लैटिस क्या है? अरेंजमेंट ऑफ डी अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑन रेगुलर बेसिस, ठीक है। मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैसे रिअरेंज्ड हैं, ठीक है, और हम कह सकते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स ठीक है, ये भी कह सकते हैं। मतलब पॉइंट्स मतलब क्या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को हम पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं। जैसे मान लो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कैसा होता है, ये स्फेरिकल, हाँ, इसको हम एक डॉट से भी दिखा सकते हैं। ये जो सेंटर पॉइंट है ना, इसको हम एक डॉट से भी दिखा सकते हैं, ठीक है। इसको हम पॉइंट कह सकते हैं ऐसे होल। तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें ध्यान देना, जैसे मान लो पहला हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ठीक है, फिर कुछ यहाँ पे दूसरा है, फिर तीसरा है, फिर चौथा है, ठीक है, फिर हम क्या यहाँ बीच में कुछ रखते हैं, एग्जैक्टली बीच में ऐसा है, फिर यहाँ कुछ रखते हैं, फिर यहाँ कुछ रखते हैं, फिर इसके नीचे जस्ट ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है, ऐसा कुछ हमने बना दिया। फिर इसके नीचे देखो ये हो गया, ठीक है, फिर ये हो गया। तो ये क्या एक लैटिस है, हाँ, ये कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स जो है रीअरेंजमेंट है ना, हाँ, इन द स्पेस, उसी को हम कहते हैं लैटिस, ठीक है। ये लैटिस है सॉलिड का। अब क्या है, ये सब क्या है कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स, इसको हम पॉइंट्स भी कहते हैं, ठीक है, इसको हम पॉइंट्स भी कहते हैं। तो अब क्या है, जैसे मान लो कोई सॉलिड है, जैसे तुम वॉल समझ लो, ये दीवार मान लो, तो इस दीवार को स्टडी करना है, इसके प्रॉपर्टीज जानने हैं वगैरह वगैरह, तो पूरा दीवार को मतलब एक्सप्लोर करना बहुत डिफिकल्ट है। हर एक पार्ट को तुम जाके एक्सप्लोर कर रहे हो, तो पूरा दीवार का प्रॉपर्टीज देख रहे हो हर एक पार्ट का, तो इससे बेटर क्या है ना, तुम एक स्मॉल पार्ट का, जैसे मान लो ये दीवार किससे बना है, ब्रिक, ब्रिक को हम अगर ब्रिक को हटा के, ब्रिक हमने आगे लगा हुआ है, पीछे लगा हुआ है, बगल में लगा हुआ है, ठीक है, तो पूरा ब्रिक से ही बनाइए ना, तो एक ब्रिक क्या, एक हम उसको यूनिट मान लेते हैं, ठीक है, सिर्फ उसकी प्रॉपर्टीज अगर हम स्टडी कर लें, तो हम पूरे वॉल की प्रॉपर्टीज को हम जान जाएंगे, ठीक है। तो ब्रिक को हम क्या कहते हैं, यूनिट से,
हाँ, यूनिट से क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए लैटिस, ठीक है। सो वॉल अगर मान लो लैटिस है तो ब्रिक क्या यूनिट सेल, तो ऐसे ये लैटिस है तो इसमें हम यूनिट सेल कैसे बनाते हैं, देखो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, एक यूनिट सेल बन गया है ना, इसको हम ये क्या एक यूनिट सेल कहलाए, इसको हम क्या कहेंगे यूनिट सेल, ठीक है। तो वैसे ही हम देखो इसको आगे वाले पार्ट टू बना सकते हैं,
इसको मैच कर दिया। देखो ये क्या बन गया, ये यूनिट सेल बन गया। ठीक है, इसके कुछ लेंस होते हैं क्यूबॉइड टाइप का। ये एक सेल को हम क्या कहते हैं, यूनिट सेल। ये दूसरा यूनिट सेल है, ऐसे कंटीन्यूअस यूनिट सेल का अरेंजमेंट होगा। ठीक है, उस पूरे अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे, लैटिस। ठीक है, यूनिट सेल क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए लैटिस। इसको लिखो, नेक्स्ट है। अब ये यूनिट सेल कितने टाइप के होते हैं वो देखते हैं। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, हाँ, अब टाइप्स ऑफ यूनिट सेल देखें, इसमें क्या ब्रॉडली टू टाइप्स होते हैं। हाँ, पहला क्या, सिंपल यूनिट सेल, या फिर हम इसको कहते हैं प्रीमिटिव यूनिट सेल, या फिर सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, इसके फिर से थ्री टाइप्स होते हैं। फर्स्ट क्या, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। दूसरा क्या, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तीसरा एज, सॉरी एज नहीं, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, हम इन सबके बारे में पढ़ेंगे फिलहाल। ये लिखो, ये सारे क्या लैटिस पॉइंट्स है।
अब हम देखते हैं सिंपल यूनिट सेल की ओर या फिर प्रिमिटिव सेल। यूनिट सेल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो सिंपल यूनिट सेल अभी हमने देखा, इसमें क्या होता है, ठीक है, ऐसा ही बनाया था हमने का कुछ क्यूबॉइड टाइप का क्यूब, ठीक है। ये हमारा सिंपल यूनिट सेल है, इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहां पे, यहां पे, यहां पे ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। तो ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। अब इसमें क्या होगा, ये थोड़ा स्फेरिकल ऐसा ही होगा, यहां पे भी क्या, ठीक है, ऐसा कुछ ही होगा, हर जगह ऐसा ही होगा, हर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऐसे ही शेप का होगा, ठीक है। तो इसमें क्या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हम क्या करते हैं, यहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर एट कॉर्नर्स, ठीक है। इसमें क्या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हो गए, ठीक है। तो टोटल कितने, एट कॉर्नर्स, तो हर एक कॉर्नर पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा, यहां पे भी होगा, ठीक है। तो लैटिस क्या है ना, थ्री डी अरेंजमेंट है। तो लैटिस क्या, थ्री डी अरेंजमेंट है, मतलब थ्री डी स्पेस में तुम्हारा जो लैटिस पॉइंट्स है ना, सॉरी जो पॉइंट्स है उसका अरेंजमेंट को हम लैटिस कहते हैं। तो ये 3D में देखो ऐसा है। तो अभी क्या है, जैसे मान लो इस कॉर्नर को लेते हैं, हाँ ध्यान से देखना, इस कॉर्नर को लेते हैं, इस कॉर्नर में क्या ये पूरा स्फीयर है, हाँ ये क्या स्फेरिकल है, ठीक है, ये स्फेरिकल है। अगर मान लो स्फेरिकल है तो इसमें ठीक है ऐसा कुछ होगा, हाफ पार्ट को नोटिस करना, हाफ पार्ट, हाँ तो हाफ पार्ट में तो कुछ भी नहीं है, इसके अंदर है ही नहीं,
हाफ पार्ट तो है ही नहीं, और हाफ पार्ट में क्या, हाफ पार्ट का अगर तुम डिवाइड कर दो, फोर हाफ पार्ट को फिर से तुम अगर फोर पार्ट में डिवाइड करो ना, तो ये वाला पार्ट तुम्हें ये इस सेल के अंदर मिलेगा, हाँ सिर्फ ये वाला पार्ट, हाँ ये वाला पार्ट तुम्हें सेल के अंदर मिलेगा, मतलब हाफ पार्ट का भी वन बाय फोर्थ ऑफ हाफ ऑफ स्फीयर, ठीक है, तो वो तुम्हें इस यूनिट सेल के अंदर मिलेगा, ठीक है, तो हाफ पार्ट का कितना पार्ट हुआ 1/4, तो एज ए होल पूरा स्फीयर कितना पार्ट होगा 1/8 पार्ट ऑफ द होल स्फीयर, 1/8 पार्ट क्या इस सेल के अंदर, ठीक है, तो इसको हम क्या कहें, कॉन्स्टेंट पार्टिकल, स्फेरिकल पार्टिकल, इसका 1/8 पार्ट इस सेल के अंदर, मतलब इस सेल में इसका सिर्फ 1/8 पार्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है, तो वैसे ही टोटल कितने हैं, 8 कॉर्नर्स, 8 एटम्स हैं, सबका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा सेल में, यहां पे देख सकते ना, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वन एटम, कौन से पार्ट क्या एटम है, ठीक है, वन एटम इन द यूनिट से, ये कितना 1/8, ठीक है, तो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल 8 कॉर्नर्स ऑफ ऑल 8 एटम्स प्रेजेंट एट कॉर्नर्स इन द यूनिट सेल, ये कितना आएगा, 8 का कितना 1/8 है, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो गया 1, ठीक है, तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल, यहां पे क्या होगा 1, ठीक है ना, एक एटम का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 है, टोटल कॉर्नर्स कितने 8 है, ठीक है, तो 8 × 1/8 तो 1, इसको हम जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बना लो, अब दूसरे को नहीं पाएंगे, okay.
दूसरा क्या है, फेस सेंटर यूनिट सेल। तो इसमें क्या होता है, इसमें कॉर्नर्स के पास, कॉर्नर्स पे तो एटम्स प्रेजेंट होते ही होते हैं, लेकिन कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट तो होते ही है, लेकिन तुम्हारा फेस, फेस का मतलब क्या, यहां पे कितने फेस है, 1 2 3 4 5 6, इसके ऊपर कितने फेसेस है, 6 फेसेस, ठीक है, यहां 6 फेसेस है, 8 कॉर्नर्स है, 12 एजेस है, ठीक है, ये सबको पता है क्यूब में। तो अब इसमें क्या है, 8 कॉर्नर्स पे तो एटम्स है ही फेस सेंटर में, साथ में कहां पे है, फेस पे, हर एक फेस पे, ये छोटा दिख रहा है लेकिन ऐसा नहीं है, पर ये डायग्राम की वजह से इसको मैं छोटा दिखा रहा हूं, ठीक है, हर एक फेस पे इधर भी है, ठीक है, हर एक फेस पे एक और एटम है, ठीक है। तो फेस वाले का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा, जरा सोचना, तो फेस वाला क्या, जैसे मान लो फेस वाले का फेस वाले में ये जो स्फीयर है इसका आधा पार्ट सेल के अंदर है, ये वाला पार्ट नहीं, वैसे वॉल पे मान लो, वॉल पे अगर हम कुछ स्फीयर रखते हैं, जस्ट सपोज ये वॉल है, इसके बीचों बीच हम एक स्फीयर रखते हैं, तो आधा पार्ट क्या घर के अंदर होगा, ठीक है, आधा पार्ट घर के अंदर होगा, आधा पार्ट क्या घर के बाहर होगा, इस रूम के बाहर होगा, मान लो ये रूम है, एक रूम भी क्यूब ही है ना, तो रूम को अगर हम यूनिट सेल मानते हैं, तो अगर वॉल पे, वॉल क्या फेस है, रूम में भी क्या एक कॉर्नर है, ठीक है, अगर तुम्हारा रूम क्यूब है तो वहां पे भी एक कॉर्नर है, तो उसके वॉल पे अगर वॉल क्या एक फेस है, तो एक फेस पे अगर हम बीच में एक स्फीयर रखते हैं, तो हाफ पार्ट क्या रूम के अंदर आएगा और हाफ पार्ट क्या रूम के बाहर होगा, तो रूम में इसका कितना कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ, हाफ, तो हम यहां पे लिख सकते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फेस सेंटर्ड फेस सेंटर्ड एटम इन द यूनिट से, ये कितना होगा, हाफ, ठीक है, तो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फेस सेंटर्ड एटम्स, टोटल फेस कितना है, 6, सारे पे एक एटम है, उसमें हाफ कॉन्ट्रीब्यूशन है, टोटल कितना हुआ, 3, ठीक है। अब कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर एटम्स कितने होंगे, तो वही है, एक का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या 1/8 है, टोटल कॉर्नर कितना है, 8 है,
कॉन्ट्रीब्यूशन वन, ठीक है। तो हम यहां पे कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द यूनिट सेल, इसको हम क्या कहेंगे, थ्री किससे, फेस एंगल से, वन क्या कॉर्नर से, कितना फोर। तो यहां पे जेड का वैल्यू कितना आएगा, फोर। ठीक है ना, इसको बनाओ। नेक्स्ट है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। तो बॉडी सेंटर्ड में क्या, फिर फेस का, फेस पे कोई एटम्स नहीं होते, ठीक है। कहां होते हैं, बॉडी में होता है बीच में, इस पूरे सेल के बीच में होगा, ठीक है, मिडिल में। तो अब यहां पे देखो, हम कह सकते हैं बॉडी सेंटर्ड क्या, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का, सॉरी बॉडी सेंटर्ड एटम का यूनिट सेल का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा, पूरा एज ए होल होगा, पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन होगा ना, ये 100% इस यूनिट सेल के अंदर ही है ना, ठीक है। तो अगर हम कोई स्फीयर को रूम के अंदर डाल ले, तो रूम में उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हुआ, पूरा 100% ना, ठीक है। वैसे इस यूनिट सेल में क्या, देखो अगर हमने किसी स्फीयर को यहाँ बीच में डाल दिया, तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, पूरा 100%, मतलब इसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना, वन, ठीक है। तो टोटल कितने हैं, वन ही है, ठीक है। और यहां पे क्या होगा, वन, और इसमें तो कॉर्नर पे वही आ जाए, ठीक है, जो पहले चलता आ रहा है, इसमें कितना होगा, वन होगा, फिर जेड कितना, वन प्लस वन कितना आ जाएगा, टू। तो बॉडी सेंटर के लिए क्या ना, जेड का वैल्यू क्या, टू आएगा, ठीक है। यहां पे ऐसा कोई काम नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा एंड सेंटर, यहां पे नेक्स्ट आता है एंड सेंटर यूनिट से, इसमें भी देखो कॉर्नर्स पे एट एटम्स है, लेकिन यहां पे क्या होता है, किसी दो एंड पे, मतलब किसी दो अपोजिट फेस पे, चाहे ऊपर वाला नीचे वाला हो, जैसे रूम का टॉप हो या बॉटम हो, या फिर साइड वाला, ठीक है, अपोजिट ये है तो सामने वाला, ठीक है, जस्ट अपोजिट, किसी भी दो, ओनली टू पे, ठीक है, सब पे नहीं, सिर्फ ओनली टू पे, ठीक है। यहां पे हो गया, इसे मान लो यहां पे इस फेस पे, फिर नीचे में इस फेस पे, ठीक है, अपोजिट
साइड में फेस पे दो एटम्स हैं, फिर इधर नहीं होगा, अगर इधर हो गया तो इधर इस साइड पे नहीं होगा, ठीक है, या फिर इस साइड में नहीं होगा, यहां पे और यहां फ्रंट पे नहीं होगा, किसी भी दो अपोजिट फेस पे सिर्फ दो ही दो एटम्स लगा दो, खत्म, ठीक है। तो इसका कॉन्फिगरेशन कितना होता है फेस का, हाफ। तो यहां पे देखो हम लिख सकते हैं फेस सेंटर का, फेस सेंटर्ड एटम का कॉन्फिगरेशन कितना होगा, हाफ। टोटल कितना होगा, दो फेस पे होगा, दो फेस पे होता है ना, यह इसका कॉन्फिगरेशन टोटल कितना होगा, वन, ठीक है। फिर कॉन्फिगरेशन ऑफ क्वार्टर एटम्स का वही होगा, ठीक है, टोटल एटम यही होगा, यहाँ पे भी जेड का वैल्यू क्या टू ही आएगा, ठीक है, एंड सेंटर्ड में भी जेड का वैल्यू टू आएगा, सेम वैसा ही जैसा बॉडी सेंटर्ड में आ रहा है, ठीक है, ये ना कर। Okay.